प्राधिकरण में एक ही छत के नीचे उद्यमियों को मिलेगी सारी सुविधाएं। नमस्कार, मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा लोकप्रिय YouTube चैनल रेनो न्यूज। खबर यमुना प्राधिकरण से है, जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में जो भी उद्योग लगाने और कारोबार शुरू करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है। प्राधिकरण ने उद्यमियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करने का फैसला लिया है। इस व्यवस्था के तहत जरूरी लाइसेंस, अनापत्ति और अनुमति अनुमितिया के कार्यालय में ही मिलेंगे। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने इन तमाम विभागों के डेस्क को अथॉरिटी दफ्तर में ही स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस मामले में और क्या खास है, किस तरह से ये पूरा जो डेस्क है, जो ये सिस्टम है, ये काम करेगा, इसके बारे में सुनते हैं सीईओ यमुना प्राधिकरण अरुण वीर सिंह को। सर, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आप सिंगल विंडो सिस्टम लाने जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम के लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो निवेश मित्र पोर्टल बना रखा है, जिसपे बहुत सारी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं पहले से, लेकिन उनके क्रियान्वयन में और उनके इम्प्लीमेंटेशन में कठिनाई आती है। कई बार तो जो इंडस्ट्री है वो बताती है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, जबकि सारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते हैं। कई बार ऑब्जेक्शन जो आता है वो ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए पत्र जाता है और ऑब्जेक्शन नहीं दूर होता है, और बार बार समीक्षा में कहते हैं कि चूंकि हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था, ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं आया, इसलिए क्लियरेंस नहीं दी जा सकी। इसी प्रकार जो है टाइम भी डिले होता है, जो काम अधिकारी नहीं करना चाहते हैं या कोई तकनीकी कमी रहती है उसके लिए पत्र जारी कर देते हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन निवेश पोर्टल जो निवेश मित्र है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सीओ स्तर पर ही किया जाए। इसके लिए मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को भेज रहा हूँ कि मैं मेरे यहाँ सारे अधिकारी बैठे हैं, मैं उनके लिए उनके एक अधिकारी जो अधिकारी जो है नामित हो जाए, उनके लिए हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके फर्नीचर की व्यवस्था, उनकी स्टेशनरी की व्यवस्था, उनका जो स्केल्टन स्टाफ है उसकी व्यवस्था, वो सारा हम करेंगे। और एक अधिकारी या दो अधिकारी लगातार रहें, जो कि प्रतिदिन शाम को एक निश्चित समय पर 5 से 6 हम जो है वो निवेश मित्रा साइट खोल करके उसको एक एक करके देखें कितने केसेस पेंडिंग हैं हमारी प्राधिकरण के, और किस तारीख को अप्लाई हुई और उसमें क्या कठिनाई है, और वहीं बैठ करके वहीं निदान करें। इंडस्ट्री वाले के जो लोग हैं, इंडस्ट्री लगाने वाले, उनको बुला करके उनका रोज का समय निश्चित रहेगा, कितने बजे हम सुनेंगे, वो आएंगे सामने सामने हाथों हाथ, उनका जो है वो जो भी उनसे डॉक्यूमेंट की कमी या जो भी क्वेरी उसका जवाब देते हैं उसको अपलोड करा देंगे, फिर वो ऑनलाइन अपना खुद ही डाउनलोड कर लेंगे। तो ये इसको मतलब बेसिकली लागू कराने के लिए, जो वास्तव में लागू हो जाए, केवल पेपर पे तो ये सब सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से सरकार ने इसको बना रखा है, लेकिन अभी भी चूंकि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, नक्शा अधूरा है, ये ज़्यादा जो है वो क्षमता का है, अपलोड नहीं हुआ है, फाइल MB की साइज ज़्यादा बड़ी है, इतने GB की फाइल है, गूगल ड्राइव नहीं चल रहा है, जैसे तमाम चीज़ें रोज घूमती रहती हैं, और निवेशक भी, इंडस्ट्रीज भी और अधिकारी नीचे का स्टाफ भी इसमें बार बार कठिनाइयां बताता रहता है। तो उससे निदान पाने के लिए हम यहीं पर चाहते हैं कि लोग रहें और रोज शाम को 1 घंटा डेडिकेटेड बैठें और इस काम का रोज निष्पादन हो। आप थे यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह, जो सारी जानकारी दे रहे थे कि उद्यमियों की समस्या को हल करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम किस तरह से स्थापित किया जाएगा। हालांकि इसमें अभी भी कुछ टेक्निकल खामियां हैं के कारण उद्यमी परेशान होते हैं, तो उस सबको दूर करने के लिए ये डेस्क जो है स्थापित किया जा रहा है, यानी सिंगल विंडो सिस्टम, एक ही छत के नीचे सारी परेशानी उद्यमियों की दूर की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।